Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं एक different तरह की exercise के बारे में. बहुत लोगों ने इस exercise को देखा भी होगा, सुना भी होगा और perform भी करते होंगे. But आज जो हम बात करने वाले हैं इसकी techniques के बारे में, इसके सही form के बारे में और जो stupid गलतियाँ करते हैं लोग इस exercise को follow करते हुए, उसके बारे में बात करेंगे आज. तो इस exercise का नाम है guys 21, जो हम usually bicep को train करने के लिए लगाते हैं. बहुत ही बेहतरीन exercise है. एक तरह से जो isolation आपको चाहिए होता है अपने bicep को develop करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उस मसल को टेयर करने के लिए, ये इस एक्सरसाइज में आपको प्रोवाइड होता है. और बेसिकली ये एक्सरसाइज एक फिनिशर एक्सरसाइज है जो बहुत ही काम आती है आपकी हैवी लोड वर्कआउट के बाद. आखिरी में आप यू नो लास्ट एक्सरसाइज इसकी कर रहे हैं. तो गाइज ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके बाइसेप को ग्रो करने के लिए. चलिए जानते हैं सारी मिस्टेक्स. और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो कीजिए एंड गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो गाइज मिस्टेक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि क्यों ज़्यादातर जो बिगिनर्स हैं वो ये कहते हैं कि मेरा मसल ग्रो नहीं हो रहा है, मैं सारी एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ. वो इसीलिए क्योंकि गाइज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं जो है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन किसी भी मसल को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप बाइसेप्स लगा रहे हो, चेस्ट लगा रहे हो, लेग्स लगा रहे हो, बैक लगा रहे हो, कुछ भी. तो क्या है ये कॉन्ट्रैक्शन? जब भी एक छोटे एग्जांपल को देता हूँ मैं आपको कि जब भी आप किसी को अपना बाइसेप पीक दिखा रहे होते हैं तो जिस तरह से आप फ्लैक्स करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो आप मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, फ्लैक्स किसी भी एक्सरसाइज में, चाहे आप चेस्ट लगा रहे हो, चाहे बाइसेप लगा रहे हो, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन आपके मूवमेंट में नहीं मिल रहा है आपको सारे रेपिटिशन में, यानी कि वही इंटेंसिटी का कॉन्ट्रैक्शन जो आप फ्लैक्स करते हैं हर रेपिटिशन में, तब तक आपका मसल ब्रेक नहीं होगा और आपका मसल ग्रो नहीं होगा. तो बहुत ही ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ. कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि आप फ्लैक्स कर रहे हैं मसल को, वैसा ही मिलना चाहिए हर रेपिटिशन में. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. सो गाइस जब हम 21 की बात करते हैं तो 21 जो है इसमें रेपिटिशन रेंज है आपकी इस एक्सरसाइज में. अब वो लगाने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि 7 रेपिटिशन आप हाफ रेंज लगाते हैं, उसके बाद आप 7 रेपिटिशन हाफ से टॉप तक, उसके बाद फुल रेंज ऑफ मोशन 7 रेपिटेशन. तो ये एक 21 का पूरा तरीका है. अब बात करते हैं इसके मिस्टेक नंबर 1 की, विच इज सेटअप एंड पोस्चर. तो गाइस सेटअप में सबसे पहले बात करते हैं कौन सा इक्विपमेंट बेस्ट रहता है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए. तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट इक्विपमेंट, तो बारबेल की बात आती है. अब बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि इजी बारबेल में लगाइए, इट्स इजी ऑन योर रिस्ट, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. लेकिन अगर आपके पास इजी बार अवेलेबल नहीं है इस तरह का, तो आप स्ट्रेट बार में भी लगा सकते हैं. 21 आप इवन डंबल से भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो. तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इजी बार ही होना चाहिए. अब बात आती है गाइस इसमें हमारे बॉडी सेटअप की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीट से, हमारे लेग्स से. अभी आप मेरे फीट यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फीट आपके स्टेबल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आपका शोल्डर विड्थ में खुले होने चाहिए, स्टेबल यानी कि फ्लैट होने चाहिए, हील्स उठे ना आपकी, पंजों पर ना आए आप. ठीक है, दूसरी चीज़ आपके नीज़ की, नीज़ में स्लाइट बेंड रहेगा, नीज़ लूज रहेंगे जब भी आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं या इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं. ठीक है, टाइट यानी कि लॉक अगर आप नीज़ को कर देंगे तो वो डिसबैलेंस होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है उसमें, और एक सही पोस्चर नहीं है ये. तो नीज़ स्लाइटली बेंड. अब बात करते हैं आपके अपर बॉडी की, यानी कि आपका जो बैक रहेगा साइड से, जब आप देखेंगे मुझे तो मैंने ओवर एक्सटेंड नहीं किया हुआ है, एक न्यूट्रल बैक है, ज़्यादा आर्क नहीं बनाना है बैक में और ओवर आपने स्ट्रेच नहीं करना है शोल्डर्स को. दूसरी बात आती है आपके चेस्ट की, चेस्ट भी आप स्लाइटली अप करेंगे, ज़्यादा अप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जैसा कि आप चेस्ट में करते हैं हल्का सा आपको चेस्ट को अप करना है. बेसिकली जो शोल्डर आपके फॉरवर्ड रोल हो रहे हैं इसको पीछे करना है और एक सही पोस्चर में लेके आना है. ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पोजिशन होनी चाहिए और इस तरह से आप 21 को परफॉर्म करेंगे. दूसरी मिस्टेक आती है गाइस यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन की, और रेंज ऑफ मोशन बहुत ही ट्रिकी है यहाँ पे. बहुत लोग गलती करते हैं, इवन एक्सपीरियंस लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है यहाँ पे. तो गाइस जानते हैं रेंज ऑफ मोशन. तो देखिए जब आप बॉटम से हाफ रेंज लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत टेक्निकलिटी है. देखिए रेंज ऑफ मोशन आपका शुरुआत होता है यहाँ से, ठीक है, उसके बाद जब आप ऊपर लेके आते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हाफ में अपने बाइसेप को. अब देखिए नीचे जब मेरा बारबेल जा रहा है तो अपने आर्म को मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. दिस इज़ द रॉन्ग रेंज ऑफ मोशन कि आप आर्म को ओवर एक्सटेंड करके अपने ट्राइसेप को स्क्वीज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपका हाथ पूरा का पूरा स्ट्रेट हो गया. द रॉन्ग रेंज ऑफ मोशन. अब देखिए यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया मसल को, आप यहीं तक लेके आएंगे क्योंकि आपका जो कॉन्स्टेंट टेंशन है वो मेंटेन रहेगी आपके बाइसेप में. सो दिस इज बॉटम हाफ रेंज ऑफ मोशन. अब बात आती है आपके टॉप हाफ की. तो टॉप हाफ के लिए आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से और जाएंगे ऊपर तक. अब देखिए कुछ लोग क्या लगाते हैं, दैट्स इट,
इतना करते हैं, तो रेंज ऑफ मोशन देखिए कितना कम है आपका यहाँ पे। टॉप हाफ के लिए आपको इतना स्क्वीज करना है, ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन कितना बढ़ गया। अब कुछ लोग यहाँ पे मुझसे डिबेट करेंगे कि भाई आपका तो एल्बो मूव हो गया है। अब जो टिपिकल ट्रेनर्स होते हैं वो आपको हमेशा यही बताएंगे कि डू नॉट मूव योर एल्बो, एल्बो मूवमेंट नहीं है क्योंकि ये वन जॉइंट मूवमेंट है बाइसेप का, क्योंकि हम बाइसेप को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम थोड़ा सा एडवांस होते हैं और सही तरीके को समझते हैं कि बाइसेप का पीक कैसे बढ़ता है कॉन्ट्रैक्शन, तब हमें समझ में आता है कि जब हम एल्बो को स्लाइटली मूव करेंगे, यानी कि अपने शोल्डर जॉइंट को भी हल्का सा मूव करेंगे, यूं शोल्डर का मूवमेंट हल्का सा, वो भी एंड ऑफ रेपिटिशन, स्टार्टिंग से नहीं करना है आपको। ये मैंने आपको पहले भी बताया अपने बाइसेप वाले वीडियो में कि कैसे आपको इस मूवमेंट को परफॉर्म करके अपने बाइसेप पीक को बढ़ाना है, राइट। तो अगेन टॉप हाफ हल्का सा स्क्वीज, कम बैक स्क्वीज, कम बैक स्क्वीज। नाउ सेम, अब जब आप फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करेंगे, स्टार्ट किया आपने यहां से ऑल द वे अप, स्क्वीज किया एंड स्ट्रेच ऑल द वे डाउन, स्क्वीज ऑल द वे डाउन, स्क्वीज ऑल द वे डाउन एंड स्क्वीज। तीसरी मिस्टेक आती है गाइज यहाँ पे, सही कॉन्ट्रैक्शन को अचीव ना कर पाना, और ये बेसिकली सारी एक्सरसाइजेज में लागू होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपका मसल टेयर नहीं हो रहा है, यानी कि मसल बढ़ेगा नहीं। तो ध्यान दीजिए, फ्लेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में ये बात को डालना कि हर वो रेपिटेशन जो मैं कर रहा हूँ अपनी एक्सरसाइज का, उसमें मुझे अपने मसल को फ्लैक्स करना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना है पूरे मसल को। यानी कि जब आप बाइसेप का पोज करते हैं, बच्चे को बाइसेप दिखाते हैं आप, तो कैसे करते हैं फ्लैक्स, यही कॉन्ट्रैक्शन आपको अचीव करना है हर रेपिटेशन में, तभी आपका मसल ब्रेक होगा। तो कैसे किया जा सकता है ये अंडरस्टैंडिंग इसकी, स्लो डाउन योर रेपिटेशन, रेपिटेशन का टेम्पो स्लो कर दीजिए आप। देखिए कॉन्ट्रैक्शन आपने किया, स्लो किया आपने, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कि कैसे मसल आपका स्ट्रेच हो रहा है, एंड देन स्लो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड देन स्लो कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से जब आप लगाएंगे एक्सरसाइज को स्लोली, तो क्या होगा कि एक पैटर्न डेवलप होता है दिमाग में, राइट। जब आप कार स्टार्ट करते हैं, अपनी खुद की गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो देखिए आप दरवाज़ा खोलते हैं, सीधे चाबी डालते हैं, स्टार्ट करते हैं। वही चीज़ आप दूसरी गाड़ी में करेंगे तो शायद नहीं होगा। तो एक पैटर्न डेवलप करना पड़ता है एक्सरसाइजेज में, तभी समझ में आता है कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन अचीव होगा। तो गाइस थोड़ा टेक्निकल है, जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। चौथी और आखिरी मिस्टेक गाइस यहाँ पे ये है कि ऐसा ही वेट सेलेक्ट करना जो बिल्कुल सही हो आपके 21s के लिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेट। आप ऐसा कोई वेट ना लगाएं जिससे आपके 21 से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर 21 से बहुत कम आ रहे हैं, 15-16 में आप अटक जा रहे हैं, वो सही वेट नहीं है। तो ऐसा वेट जिसके आप 10 से 12 रेपिटेशन लगा रहे हैं, उस वेट को आप हाफ कर दीजिए और उस वेट के लगाइए आप 21 रेपिटेशंस। तो देखिए किस तरह से आपको ये बेनिफिट करेगा, आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, रॉकिंग नहीं होगी इस तरह से, ये झूलेंगे नहीं आप, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन पूरा का पूरा मेंटेन रहेगा आपके बाइसेप कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेट का सिलेक्शन गाइज। ये एक्सरसाइज अगेन स्ट्रेंथ चेक करने के लिए नहीं है, यानी कि 1 रैप मैक्स, 2 रैप मैक्स, 3 रैप मैक्स टेस्ट करने के लिए नहीं है, बट आइसोलेशन के लिए फिनिशर, ऑलमोस्ट फिनिशर एक्सरसाइज है। सो गाइज ये थी सारी मिस्टेक्स 21 एक्सरसाइज की। अगर आप लोगों को कोई और इस तरह की एक्सरसाइज के बारे में वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करिए, बताइए मुझे कि आपको पसंद आ रहा है। एंड गाइज टेक केयर, जीत सलाल साइन ऑफ।